हर हर महादेव दोस्तों, जय बाबा बैद्यनाथ। तो आप लोगों का स्वागत है गौरव के श्री ब्लॉग पर। तो मैं आपको आज का अपडेट पूरा दिखाऊंगा। आज है 11 अगस्त 2023 का, आप लोग को अपडेट दिखाऊंगा कि यहां से लेके आप लोग को मंदिर का पूरा दर्शन करवाऊंगा, मतलब कांवर यात्रा से पूरा आप लोग को मंदिर का सफ़र दिखाऊंगा कि कैसा यात्री लोग आते हैं कांवरिया लोग बाबा का दर्शन करने के लिए पूरा रास्ता में चलकर। तो आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक बने रहिएगा, एंड जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को दबा दीजिएगा। हर हर महादेव कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। सभी की मनोकामना को बाबा पूरा करेगा और पूरा करता है, पूरा करेगा। आज चलिए आप लोग इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आप पूरा वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, देख सकते किस प्रकार के मतलब कांवर पथ पर कांवरिया लोग सुल्तानगंज से जल लेके बाबा का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और आज शुक्रवार का दिन है, देख सकते कितना काफ़ी भीड़ उमड़ रहा है। मनुमास का भी दिन चल रहा है और सावन भी है, आप लोग तो जानते ही हैं कि कैसे उमड़ रहा है भक्तों का भीड़। देख सकते कैसे शिव भक्त बाबा का दर्शन करने के लिए, बाबा को जल चढ़ाने के लिए आ रहे हैं। तो आप लोग को बता देता हूँ कि मंदिर का आप लोग को पूरा दर्शन करवाऊँगा, तो वीडियो में कहीं छोड़ के नहीं जाइएगा। आप लोग को कांवर यात्रा से शुरू करके यहाँ से आपको लेके पूरा कांवर यात्रा से जर्नी लेके आप लोग को मंदिर का भी दर्शन करवाऊंगा। हर हर महादेव कमेंट में लिख दीजिएगा। देख सकते कैसे मतलब बोलबम आ रहे हैं और बोलबम का नारा पूरा देवघर शहर में गूंजने लगा है। देख सकते किस प्रकार के बूढ़ा बुजुर्ग बच्चा सभी लोग कांवर पथ पर चल कर सुल्तानगंज से जल लेके पैदल की और यात्रा करते हैं और बाबा का दर्शन करते हैं। सभी की मनोकामना को बाबा पूरा करता है हर साल की तरह। इस साल भी देख सकते किस प्रकार की यहाँ पर टेंट वगैरह दुकानें वगैरह लगा गया है, पूरा यहाँ पर व्यवस्था है, मतलब झारखंड सरकार द्वारा पूरा यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। आप लोग को निःशुल्क खाना भी मिलेगा और यहाँ पर रहने के लिए भी मिलेगा आप लोग को। आगे में धर्मशाला भी है, वहाँ पर निःशुल्क आप लोग को रहना पड़ेगा। देख सकते किस प्रकार के मतलब भीड़ उमड़ रहा है आज के दिन, और सोमवार के दिन माना जा रहा है कि काफ़ी भीड़ होगा, वो अपडेट भी आप लोग को आएगा। तो फिलहाल ये अपडेट आप लोग देख लीजिए, पूरा एंड तक देखिएगा। आप लोग को मंदिर का पूरा दर्शन करवाऊँगा और लास्ट में आप लोग को बाबा का दर्शन भी होगा। तो आप लोग को वीडियो को छोड़ के कहीं नहीं जाना। देख सकते किस प्रकार के पानी का फुहारा लगाया गया है कि कोई भी यात्री को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। और हर महादेव, चलिए मंदिर की और भी आगे बढ़ते हैं। हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। तो आप लोग भी चलिए मेरे साथ पूरा मंदिर का परिक्रमा कीजिए और बाबा का दर्शन कीजिए महादेव का। तो वीडियो पूरा एंड तक बने रहिए। चलिए आप लोगों को पूरा परिक्रमा करवाता हूँ। अब माता पार्वती का भी आप लोग को दर्शन करवाऊंगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। तो देख सकते किस प्रकार के मंदिर में अभी भीड़ उमड़ रहा है। मैं अभी मंदिर का प्रांगण में खड़ा हूँ और देख सकते भक्तों का क्या भीड़ है यहाँ पर, श्रद्धालु लोग का। देख सकते हैं कैसे मतलब शिव भक्त यहाँ पर बाबा का दर्शन करने के लिए कांवर पथ पर चल के। और आप लोग को कांवर पथ का पूरा अपडेट दिखाया हूँ, कांवर पथ से आप लोग को यहाँ तक लाया हूँ मंदिर तक। तो पूरा मंदिर का व्यू देख के जाइएगा, दर्शन करके जाइएगा बाबा का, माँ पार्वती का दर्शन करके जाइएगा। घर बैठे आप लोग को दर्शन करवा रहा हूँ, तो एक लाइक वीडियो करके जाइएगा। हर हर महादेव, देख सकते किस प्रकार के बाबा। देख सकते यहाँ पर ऊपर में गठबंधन पूजा भी होता है, गठबंधन पूजा आप लोग भी करवा सकते हैं पंडा द्वारा यहाँ पर। तो चलिए आगे आप लोग को दिखाता हूँ मैं। देख सकते किस प्रकार के मंदिर में आज 11 अगस्त 2023 को शुक्रवार का दिन का आप लोग को अपडेट दिखा रहा हूँ, लेटेस्ट अपडेट। और किस प्रकार के अंदर में भीड़ है आप लोग को दिखा रहा हूँ, पूरा मंदिर का आप लोग को परिक्रमा करवाऊँगा और लास्ट में आप लोग को महादेव मतलब बाबा बैद्यनाथ जी का दर्शन भी करवाऊँगा। तो वीडियो पूरा एंड तक बने रहिएगा। हर हर महादेव, देख सकते किस प्रकार के मतलब मंदिर में अभी भीड़ उमड़ रहा है। आप लोग अंदर में भी जो लोग यहाँ पर आते हैं बाबा का दर्शन करने के लिए, मतलब नहीं चल पाते हैं ना, मतलब आधा रास्ता गाड़ी से आ जाते हैं, तो वो लोग मतलब अंदर आके मतलब वीआईपी पास ले सकते हैं। 500 रुपया लगता है वीआईपी पास में और उसमें आराम से आप लोग पूजा कर सकते हैं। बाहर में आराम से बहुत जगह मिलता है वीआईपी पास, तो आप लोग कहीं भी ले सकते हैं और आराम से आप लोग पूजा कर सकते हैं। मतलब दो से उसमें भी समय लगता है, ऐसा नहीं कि आप लोग आराम से जाके पूजा कर लीजिएगा, उसमें भी समय लगेगा थोड़ा बहुत और आराम से आपका 1 से 2 घंटा में पूजा हो जाएगा। देख सकते किस प्रकार के गठबंधन पूजा यहाँ पर करवाया जा रहा है।
वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि आप लोग भी गठबंधन पूजा कर सकते हैं। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं और आप लोग को दिखाता हूँ पूरा, देख सकते हैं किस प्रकार के मंदिर में आज काफ़ी भीड़ उमड़ रहा है और माना जा रहा है कि हजारों हजार श्रद्धालु आए हैं बाबा का दर्शन करने के लिए, जलावतरण करने के लिए। देख सकते हैं ढोलक वगैरह किस प्रकार के यहाँ पर मतलब ढोल बज रहा है, देख सकते हैं किस प्रकार के हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ, जय शंभु, जय शिव, जय हर हर महादेव। देख सकते हैं किस प्रकार के ढोल तोल बज रहा है यहाँ पर और सभी भक्त मतलब बाबा की चरण में सभी मगन है, पूरा मगन है बाबा का मतलब प्रांगण में पहुँच के मतलब सुतांग से जब जल लेके आए बाबा को मतलब दर्शन कर लिए और ये लोग का धन पवित्र हो गया धन। देख सकते हैं किस प्रकार के मतलब पूरा भीड़ उमड़ रहा है, हर हर महादेव, जय शंभु। देख सकते हैं यहाँ भी आप लोग पूजा कर सकते हैं, यहाँ भी चढ़ाता है जल वगैरह सब। और देख सकते हैं किस प्रकार के लाइन में कांवरिया लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं बाबा को जल चढ़ाने के लिए। देख सकते वीडियो के माध्यम से आप लोग देख ही सकते हैं कि कैसे मतलब कांवरिया लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि कांवर पथ जो भी चल के बाबा को जल चढ़ाने आ रहे हैं, बहुत लोग का सवाल होता है कि अभी अर्घा सिस्टम हटा के नहीं, तो आप लोग को मैं बता देता हूँ अभी तक अर्घा सिस्टम नहीं हटा है, अभी भी अर्घा सिस्टम लगा गया है। देख सकते हैं ये बाहर का व्यू है, यहाँ पर दुर्गा मंदिर है और राधा कृष्ण का मंदिर है, आप लोग यहाँ भी मतलब पूजा पाठ कर सकते हैं, बाबा का दर्शन कर सकते हैं। मतलब राधा कृष्ण मंदिर है, दुर्गा माँ का मंदिर है, यहाँ पर आप लोग जल वगैरह अगरबत्ती वगैरह धूना वगैरह दिखा सकते हैं और आराम भी यहाँ पर कर सकते हैं। फिर यहाँ से आप लोग आगे की ओर बढ़िएगा तो बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर आप लोग को दिखेगा। देख सकते किस प्रकार के मतलब भीड़ उमड़ रहा है, धक्का मुक्कीम के साथ में आगे बढ़ना पड़ रहा है, मतलब जगह नहीं है आगे बढ़ने का तो आगे बढ़ना पड़ रहा है। चलिए आप लोग को महादेव का दर्शन करवाता हूँ मैं, हर हर महादेव। देख सकते हैं कि आप लोग को जो मतलब वहाँ पर जल आराम से नहीं चढ़ा पाइएगा जो बैद्यनाथ धाम लिंक में, तो यहाँ पर आप लोग आराम से चढ़ा सकते हैं, यहाँ पर कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। इसे भी महादेव का स्वरूप ही माना जाता है, बाबा मंदिर के अंदर ही मिलेगा आपको और यहाँ पर आप लोग नगेश्वर बाबा मंदिर का दर्शन